एक समय था जब मध्य प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवा पाने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन लोगों को सेवाएं नहीं मिलती थी। सेवा प्राप्त करने में कई दिन लग जाते थे। शासन की सेवाएं लोगों को निश्चित समय अवधि में उपलब्ध हों, इस दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया गया। समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें निरंतर सुधार किए गए। फरवरी 2018 में नागरिकों को एक दिन में सेवा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा समाधान एक दिवस तत्काल सेवा व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसमें विभिन्न विभागों की जरूरी 34 सेवाएं ऐसी हैं जो केवल एक दिवस में नागरिकों को प्रदाय की जा रही हैं। तंत्र में पारदर्शिता होने से एक तरफ सेवाएं प्राप्त करने में नागरिकों को आसानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब शासकीय विभाग और अधिक जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। मैं लोक सेवा केंद्र मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने आया था, आधे घंटे में बन के मिल गया। आज ही किया था, आधे घंटे पहले। जल्दी टाइम नहीं लगता ज्यादा, जल्दी जल्दी लाभ हो जाता उसमें, अच्छे से कागज बन जाते। पहले खड़े रहते थे घंटों लाइन में, दो दो तीन तीन दिन बाद मिलता था, अब ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। 5 मिनट पहले आवेदन दिया, 5 मिनट बाद मेरा ये आय प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त हुआ। इससे मैं बहुत खुश हूँ, इस सेवा से बहुत सहमत हूँ, मेरा टाइम का बचत हुआ। लोक सेवा केंद्र से अब लोगों को तत्काल सेवाएं एक ही जगह एक ही दिन में आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। कागज बनवाने आई थी 3 साल के, मेरे कागज बन गए। मैं लोक सेवा केंद्र में निवास बनवाने ग्राम परिषद की सहायता जो कि मुझे 10 मिनट में प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसमें एक अधिकारी को सभी प्रमुख विभागों की सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ पे ये देखने में आया है कि जितने भी हितग्राही आते हैं अपने आवेदनों को यहाँ जमा करते हैं, सेम डे इसका सॉल्यूशन हो जाता है, उन्हें जो भी प्रमाण पत्र जिस भी विभाग से संबंधित वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाते हैं। और शासन की ये चलाई जा रही इस योजना से उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। जो देखने में आया है कि पहले जो कार्यालयों में जा करके लोगों की भीड़ होती थी और वहाँ पर बहुत चक्कर उन्हें जो लगाने पड़ते थे, अब उन्हें नहीं लगाने पड़ते हैं और जिस दिन आवेदन देते हैं सेम डे ही उनको उसका निराकरण हो जाता है। इस योजना से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। सेवा के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। मेरे पिताजी का मैं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया था, 11 बजे मैंने आवेदन जमा किया और मुझे आधे घंटे में सेवा प्राप्त हो गई। आवेदन दिया था खसरा की नकल निकालने के लिए और आज ही इसी दिन हमको ये खसरे की नकल प्राप्त हो गई। पहले हमको एक एक हफ्ते भटकना पड़ता था इन सब चीज़ों के लिए, यहाँ चक्कर लगाओ वहाँ चक्कर लगाओ। समाधान वाला केंद्र जो खुला है हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। एक दिन में समाधान होता है, देखिए आज हमको आज ही दिया और आज हमको प्राप्त हो गया। युवा वर्ग की सुविधा के लिए प्रमुख सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही जिन सेवाओं में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी होते हैं उन सेवाओं के प्रमाण पत्र आवेदकों को उनके ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रेषित किए जाते हैं ताकि आवेदक अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड कर उपयोग कर सके। विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चर्चा के बाद निर्णय लिया कि एक विभाग की सेवा देने का अधिकार दूसरे विभाग के अधिकारी को दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि वो लोक सेवा केंद्र में बैठ के नागरिकों को ये सेवा दें। न केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी बांटने का प्रयोग सफल हुआ है बल्कि टाइमलाइन घटने से नागरिकों को सेवाएं भी बहुत समय पर मिल रही हैं। लगभग 26 लाख लोगों को हम लोगों ने एक बहुत छोटे से पीरियड में लाभ दिया है। आप भी तत्काल सेवा के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र से प्राप्त सुविधा के बारे में अपने अनुभव को वीडियो के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर 8839743079 पर साझा करें।